मेरे प्यारे देशवासियों, अभी देश में चुनाव का भी माहौल बना हुआ है, राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही है और अगले साल लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। इसलिए इन चुनौतियों के बीच आप मेरे देशवासी, जनता जनार्दन, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये लोग देश की एकजुटता पर चोट करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। देश इनसे सतर्क रहेगा तभी विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश की एकता बनाए रखने का प्रयास एक पल भी छोड़ना नहीं है, एक कदम भी पीछे रहना नहीं है। हमें निरंतर एकता के मंत्रों को जीना है। एकता को साकार करने के लिए हमें अपना निरंतर योगदान देना है। हम जिस भी क्षेत्र में हो, हमें उसमें अपना 100% देना है। आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देने का केवल यह उत्तम से उत्तम मार्ग है और यही सरदार साहब की हम सभी से अपेक्षा है। साथियों, आज से माय गॉव पर सरदार साहब से जुड़ी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी शुरू हो रही है। सरदार साहब क्विज के माध्यम से देश के युवाओं को उन्हें जानने का और मौका मिलेगा। मेरे परिवारजनों, आज का भारत नया भारत है। हर भारतवासी आज असीम आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमें सुनिश्चित करना है कि आत्मविश्वास बना भी रहे और देश बढ़ता भी रहे, ये भाव बना रहे, ये भव्यता बनी रहे। इसी के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय सरदार पटेल को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। हम सब राष्ट्रीय एकता के इस राष्ट्र उत्सव को पूरे उत्साह से मनाएं। जीवन में एकता के मंत्र को जीने की आदत बनाएं। जीवन को हर पल एकता के लिए समर्पित करते रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद।